आपका ये कर्तव्य है, पहले राष्ट्र है, राष्ट्र धर्म है, राष्ट्र सेवा है, उसके बाद कुछ है, उसके बाद परिवार है। अगर राष्ट्र के आगे परिवार भी आता है तो वो भी पहले नहीं आएगा, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र ही सर्वोच्च है और राष्ट्रवाद ही सर्वोच्च नीति है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं प्रेमराज चौहान, आपका दोस्त। बता दूं, आज 14 फरवरी है और सभी युवक नौजवान ये समझ ही गए होंगे कि मैं आज किस विषय पे वीडियो बनाने वाला हूं। आज 14 फरवरी है, लेकिन जो माइंड में गंदगी भरी है उसे एक बार निकाल दें और फिर सोचें। बता दूं, आज के ही दिन हमारे देश में जहां लाखों यूथ, लाखों नौजवान अपने महबूबा की बाहों में सोते हैं, आज ही के दिन 2019 में हमारे 40 भाई भारत माता की गोद में ऐसी नींद सोए कि दोबारा कभी नहीं उठ सके। याद होगा आपको पुलवामा हमला, जम्मू कश्मीर के हाईवे पर एक सुसाइड बॉम्बर ने अपने व्हीकल में RDX से हमारे जो नौजवानों का व्हीकल जा रहा था, जो काफिला जा रहा था, वहां जाके उसने काफिले से उस गाड़ी की भिड़ंत की और इतना बड़ा विस्फोट हुआ जिसमें CRPF के 40 जवान शहीद हो गए, चीथड़े उड़ गए थे उनके। लेकिन आज भी हमारे देश में उन सब बातों को भूलकर नौजवान आज वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। एक और कहीं देश में सेना जवान हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं और एक और कहीं यूथ अपने महबूबा के लिए लड़ रहे हैं। ये है हमारा देश, ये हमारा बिहार। तो आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि देश सबसे पहले आता है, सर्वोपरि है। महबूबा तो हजार मिल जाएंगे लेकिन देश हजार नहीं मिलेगा। और आज 14 फरवरी को लोग इश्क, मोहब्बत और प्यार का इजहार करने के लिए वे महबूबा का इंतजार कर रहे होंगे, हाथों में गुलाब लिए, हाथों में अन्य रंग बिरंगे गुलदस्ते लिए, रंग बिरंगे तोहफे लिए। लेकिन ऐसे भी हमारे देश में वीर हैं जो भारत माता के बॉर्डर पे खड़े इंतजार कर रहे होंगे दुश्मनों की गोलियों की, कब आती है और ना जाने कब सीना छल्ली करके चली जाती है और माँ के गोद में ऐसा सोते हैं कि दोबारा कभी नहीं उठ पाते हैं। लेकिन आज के ही दिन हमारे देश में ऐसे यूथ हैं जो ओयो में, अलग अलग बिहेड़ों में, अलग अलग जंगलों में, अलग अलग होटलों में अपने महबूबा की बाहों में भी सोते हैं और आज के ही दिन उनके प्यार का इजहार भी करते हैं। लेकिन सच्चे वीर, सच्चे माँ के सपूत वही होते हैं जो देश के लिए लड़ते हैं और देश के खातिर देश को प्रपोज करते हैं खुद को। ऐसे इंडियन आर्मी है हमारे, हमारे देश के अर्धसैन्य बल है, हमारे देश की पुलिस प्रशासन है जो दिन रात सभी त्योहारों को, पर्वों को छोड़कर कड़ी मेहनत करती है और अपने देश के लिए लड़ती है, अपने जनता के लिए लड़ती है, उसकी सुरक्षा के लिए अपने जान तक को न्यौछावर कर देती है। बस आप लोगों से ही विनती है मेरे दोस्तों, मेरे मित्र, हम यूथ, हम नौजवान, जब तक इश्क, मोहब्बत, प्यार की जंजाल से नहीं निकलेंगे, हमारा देश सुरक्षित नहीं रहेगा। ऐसे ही पुलवामा अटैक होते रहेंगे, ऐसे ही ना जाने हर दिन हमारे देश में लाखों भाई अभी तक शहीद हो चुके हैं आतंकवादियों के हमले से। हम लोगों में ये जज्बात आना चाहिए कि हम विदेशियों के पर्वों को ना मनाएं, हम उनको इनकरेज करें जो हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, जो हमारे देश के सेना हैं, जो हम सोते हैं रात में बेखौफ होकर चैन की नींद लेते हैं और वो अपना नींद उड़ाकर सियाचिन की ग्लेशियर में, जम्मू कश्मीर में, बांग्लादेश के बॉर्डर पे, चाइना के बॉर्डर पे, माइनस में, जब टेम्परेचर -20, -50 होती है, और वहीं राजस्थान के थार में जब टेम्परेचर 40 होती है, 45 होती है, 60 होती है, जहां हम रह भी नहीं सकते, ऐसे जगहों पे रह के हमारे देश के सब जवान हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, हमारे भारत माता के लिए लड़ रहे हैं, तो हम देश के अंदर बैठ के, हम यूथ क्यों नहीं हम अपने देश के लिए लड़ सकते हैं, क्यों नहीं देश के गद्दारों से लड़ सकते हैं, क्यों नहीं भ्रष्टाचारियों से लड़ सकते हैं, क्यों नहीं जो लुटेरे हैं अंदर में देश के बैठे उनसे लड़ सकते हैं, भ्रष्ट नेताओं से लड़ सकते हैं, क्यों नहीं हम भ्रष्ट अधिकारियों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं जब हमारे भाई एक बॉर्डर पे खड़े हैं, अपने जान देने तक को नहीं कतराते हैं। कोई आज बाहों में सोएगा महबूबा के, कोई आज जवान हमारे माँ के गोद में सोएगा, भारत माता की गोद में ऐसा नींद सोएगा जो कभी जग नहीं पाएगा, क्यों हम उनकी कुर्बानी को याद नहीं रखते हैं, क्यों हम उन्हें भूल जाते हैं। ये धिक्कार है हम नौजवानों पर, ये धिक्कार है सभी देश के जितने भी नौजवान हैं उन पर, महबूबा के बाहों में सोने से अच्छा है भारत माँ की गोद में चैन की नींद सोएं, दुश्मनों से लड़ते हुए
मौत को गले लगा लें ताकि आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी हमें सलाम करे और शहीद कहे। याद करें 14 फरवरी 2019 हमारे सीआरपीएफ के जवान का काफिला जम्मू कश्मीर हाईवे से गुजर रहा था, उसी वक्त सुसाइड बॉम्बर ने आरडीएक्स से बड़ी गाड़ी को उनके गाड़ियों से टक्कर मारी और ऐसा ब्लास्ट हुआ और ऐसा बूम हुआ कि देखने वाले उनके होश उड़ गए। 40 जवान हमारे शहीद हो गए और भारत माता की गोद में ऐसे सोए कि दोबारा कभी जग नहीं सके। हालांकि ऐसे दुश्मनों को छोड़ना भी नहीं चाहिए, सरकार ने जवाब भी दी थी और 7 जो टेररिस्ट थे, जो एक्यूज्ड थे, उनको मारा भी गया था इनकाउंटर में और 7 ऐसे थे लोग जिनको अरेस्ट भी किया था। लेकिन आज भारत इतना सर्वशक्तिशाली हो चुका है डिफेंस में कि हमारे दुश्मन देश, हमारे कोई भी ऐसा हो जो आतंकवाद संगठन हो और हमारे देश पर बुरी नज़र रखता हो तो उसे 1000 बार सोचना पड़ेगा कि हमारे देश के अंदर वो कैसे घुसे। लेकिन बात ये नहीं है, नौजवान अपना काम कर रहे हैं, हमारे देश की आर्मी अपना काम कर रही है, बॉर्डर पे तैनात जो जवान है वो काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे घर के अंदर जो आतंकवादी बैठे हैं, हमारे देश के अंदर जो आतंकवादी बैठे हैं, जो लुटेरे बैठे हैं, उनसे कौन सुरक्षा करेगा, उनको कौन मुंहतोड़ जवाब देगा, उनको कौन सजा देगा जो खोखला कर रहे हैं हमारे देश के आर्थिक स्थिति को, जो हमारे देश के संप्रदाय को आपस में लड़वा रहे हैं, जो हमारे देश में गरीबों को बांट रहे हैं, जाति के नाम पे बांट रहे हैं, उनसे कौन लड़ेगा। आज के दिन का वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है। मेरे जितने भी नौजवान भाई हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने देश के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया, कभी विवाह तक नहीं किया, उससे पहले आप देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे कई प्रधानमंत्री आए हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए ही अपने जीवन को समर्पित किया है। लाल बहादुर शास्त्री ने तो कहा था, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। एक किसान है जो कि देश का पेट पालता है और एक जवान है जो देश का सुरक्षा करता है और उसी के रहमो करम पर पूरा देश पल रहा है और पूरे देश की सुरक्षा हो पाती है। इसीलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है, जो भी मेरे नौजवान भाई हैं, आपका ये कर्तव्य है, पहले राष्ट्र है, राष्ट्र धर्म है, राष्ट्र सेवा है, उसके बाद कुछ है, उसके बाद परिवार है। अगर राष्ट्र के आगे परिवार भी आता है तो वो भी पहले नहीं आएगा, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र ही सर्वोच्च है और राष्ट्रवाद ही सर्वोच्च नीति है और राष्ट्रवाद को मानने वाले ही सच्चे देशभक्त हैं, जो राष्ट्रवाद के प्रति जिनके मन में प्यार नहीं है, जो देश के प्रति जिनके मन में प्यार नहीं है, वही है सबसे बड़ा आतंकवाद। और ऐसे आतंकवाद जो देश के बाहर और अंदर बैठे हैं, उनको खोज के निकालना और सजा देना, यह हमारा कर्तव्य है। और अब सभी यूथ से यही विनम्र निवेदन है कि आज के दिन अपने महबूबाओं के लिए नहीं, अपने देश के लिए आवाज़ उठाएं, अपने देश के लिए प्यार जगाएं, देश को प्रपोज करें। महबूबा के बाहों में सोने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर जिस दिन भारत माँ की गोद में सो गए ना, उस दिन वीरता का एक प्रतीक मिल जाएगा, परम वीर चक्र मिल जाएगा और हमारा जन्म जन्म जो जीवन है ना, वो सफल हो जाएगा।